shape or off the path that you're on. So, yeah, I I'm know sure, that you I'm do sure. it as well. We both try and keep up to it because eventually we have to get back to responsibility and, just guiding our visions for our respective environments. So, yeah, it's fun. It's fun. Exactly. And how is the family in Family is Mumbai good. and in Delhi? Yeah. Yes, all good. Anushka is very well. Family in Delhi is also fine. They're all healthy and safe. Obviously, situation is a bit more tricky here. But yeah, we are safe. We are indoors. No real interaction with anyone outside. ठीक है, अच्छा चल अच्छा, रहा है. So far, so good. Bangalore, गुड टू हियर Bangalore is यार. fine. इट इज वी आर एक्चुअली इन द ग्रीन जोन, बट आई थिंक गवर्नमेंट ने एडवाइस दिया है कि बाहर ना निकले. सो वी ट्राइंग टू स्टे एट होम. वी स्टिल वेटिंग फॉर एवरीथिंग टू बी फाइन एंड देन ओनली गो आउट. ओके, दैट्स नाइस. तो ये जो सीरीज है चैंप, आई आई ब्रिंग 10 क्वेश्चंस एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू नॉट बी हाँ, रेपिटेटिव. बट ओके, मैं 3 दिन से आपके इंटरव्यूज देख रहा हूँ. इंसानों ने आपको जितना पूछना था, चाहे आपके दाढ़ी के बारे में हो, आपके लाइफ के बारे में हो, आपके कोई सवाल छोड़ा ही नहीं. तो मैं लगा हुआ हूँ सवाल पूछने के लिए. एंड बिफोर आई हाँ, स्टार्ट, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जहां आपने एक इंटरव्यूअर को पूछा कि गो एंड चेक योर फैक्ट्स एंड देन आस्क मी, थोड़ा नाराज होते हुए. तो मैं आपको बोल दूं कि ये जो क्वेश्चन बनाए इसे मैं अकेला नहीं हूं, तो अगर नाराजगी आई मैं नाम भेज दूं जो जो लगे हुए थे सवाल बनाने में. आपको तो मैं बाद में मैसेज भी कर सकता हूँ ना, आपको तो मैसेज भी कर सकता हूँ. इसलिए, वो लोग तो पूछ के भाग लेकिन मैं जाते हैं उनको ना नाम इस. भी नहीं, मैं उनको नाम भेज दूंगा आपको जिन्होंने सवाल बनाए ये, अगर आपको लगे कि क्या है हाँ, ठीक और है, ऐसी मुंह उठा के ये आगे करिए, सवाल पूछने के लिए, मैं नाम भेज दूंगा. ठीक है, डन डन चलिए डन चैम, डन. लेट्स स्टार्ट. ओके सो द ओके, फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू ठीक विराट ठीक इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू विराट इज मनी वाज ऑलवेज अ फाइट ग्रोइंग अप इन माय हाउस होल्ड एंड आई नो फॉर अ फैक्ट इट वाज ऑलमोस्ट द सेम एट योर हाउस आल्सो. नाउ व्हाट वाज द अमेजिंग मोमेंट व्हेन यू रियलाइज दैट यू कैन मेक मनी डूइंग व्हाट यू लव, बिकॉज नॉट मेनी पीपल हैव दैट. या प्रिटी प्रिटी सिमिलर आई गेस. माहौल बहुत सेम था. एक मिडिल क्लास फैमिली में आपका एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. प्लस मुझे याद है मैंने अपने फादर को बोला कि आई थिंक आई प्ले वेल, आई लव द स्पोर्ट. एंड मेरे दोस्तों ने भी बोला कि ही इज गुड इनफ, यू शुड मेक हिम लर्न प्रोफेशनली. तो गए एकेडमी में, एनरोल कर दिया. उसके बाद द इनिशियल चैलेंजेस वर मंथली एकेडमी फी, अपना गियर खरीदने का, सामान खरीदने का पैसा. देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज, आई व्हेन आई प्लेड स्टेट क्रिकेट पहली बार, तब पर मैच पैसे मिलने शुरू हुए. तो अच्छा. दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार, इफ यू कीप गोइंग अप, यू विल ऑब्वियसली मेक अ करियर आउट ऑफ दिस एट सम स्टेज, बिकॉज यू आर टोटली कमिटिंग योर लाइफ टू इट. एंड माई ओनली एम वॉज कि आई हैव टू गिव एवरीथिंग दैट आई हैव. उसके बाद आई विल सी कि अगर करियर बन गया है कि नहीं, बट मुझे ऐसा कभी डाउट नहीं हुआ कि अगर ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा. क्लैरिटी थी कि यही करना है. एंड आई वेंट अहेड विद इट. फिर स्टेट क्रिकेट खेलते 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 व्हेन आई एंडेड अप प्लेइंग अंडर 19 इंडिया, दैट्स व्हेन आई थॉट कि ओके, बिकॉज द फर्स्ट टूर फी वॉज अ डिसेंट अमाउंट, लाइक अ बिग अमाउंट एट दैट एज फॉर मी. आई वॉज 16 व्हेन आई प्लेड माई फर्स्ट अंडर 19 टूर, एंड दैट वॉज टू इंग्लैंड. तो वो जो टूर फी मिला, उसके बाद माई फादर ओपन अ अकाउंट फॉर मी, जाके ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया. तो तब मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार नहीं, ये मेरा थोड़ा पाथ इधर जा सकता है एज एन इंडिविजुअल. आई कैन रियली रियली मेक दिस इनटू माय करियर. एंड इट्स इट्स एवरीथिंग इज गोइंग टू अनफोल्ड वेल इफ आई जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. तो वहां से आई थिंक वो जो पहला टूर था, वहां से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली इसकी कि यार, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ माई टाइम. वट एवर मेहनत आई हैव डन, इफ आई कीप गोइंग फॉरवर्ड, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. तो जो स्कूटर में डैड ले जाते थे, पहले हाँ तो आप छोटे थे बोल के आपको लेके गए. हाँ जब आप इतने बड़े हो गए कि आप बस में हांड सको, हाँ तब भी वो जाते थे या आपको छोड़ देते थे बस में कि चलो निकलो आप बस में? नहीं, मैंने ट्रेवल करना शुरू कर दिया था.
मैं बसों में जाता था, पास अकेडमी पास थी तो रिक्शा में चले गए, साइकिल भी थी मेरी, साइकिल में पीछे वो कैरियर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मडगार्ड, कैरियर में किड बैग ठूस के और फिर उसपे जाता था, फिर बाद में वो डफल बैग ले लिया जिसमें वो बैट साइड में डाले होते हैं तो उसपे भी जाता था, बट अकाउंट तो ऑब्वियसली खोलने के लिए साथ में ले जाएंगे तो स्कूटर पे लेके जाते थे मोस्टली जो पास की जगह होती थी, बट कभी कभी मैचेस पे छोड़ देते थे बिकॉज जब कोटला में मैचेस होते थे ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट, ही वाज प्रैक्टिस, आई मीन ही वाज अ लॉयर और उनका जो रोज में पास था या टिकट नहीं लेना है, बाद में देखी जाएगी अगर पकड़े गए तो नहीं मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, हमारी शक्ल वैसी नहीं थी कि हमें कोई देख के सीरियसली लेता ही नहीं था, हम साफ बोलते थे तो पकड़ लेते थे हमें ऐसे, अब वो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बोले हाँ साफ है। मेरे एक बार बोला मैंने, मैं बस से निकल गया वो उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछा कि साला उसने बिलीव ही नहीं किया मुझे, मैं उतर गया बस से, मैं भाई भागो यहाँ से, तो मैं कभी नहीं यूज कर पाया, नहीं मैंने देखा बहुत है होते हुए उन लड़कों की अलग ही और कॉन्फिडेंस होता था यार उनसे, वापस काउंटर सवाल नहीं होता ना इसलिए वो चले जाते थे। मैं करता था, मैं डीडीसी पे टिकट लेता था, हाँ तो उस टाइम पे अगर पकड़े गए तो 20 रुपए फाइन था तो मेरे घर से मुझे मिलते थे 20 रुपए, तो मैं सोचता था जब पकड़े जाऊंगा तो 20 रुपए दे दूंगा, या तो भागूंगा या 20 रुपए दे दूंगा बहुत दिन चलता गया, एक बार पकड़ा गया 20 रुपए दे दिए, फिर उन्होंने क्या किया बढ़ा के कर दिया 50 रुपए। अच्छा। मैंने कहा अब तो मुश्किल हो गया, अब टिकट लेनी पड़ेगी यार, वो टाइम था यार। मुझे एक बार याद है ये बस वाला इंसिडेंट होता था हमारी, लो जी चहल यहाँ भी आ गए, हेलो भैया फ्रॉम होम, ये नहीं मानेगा अबे भाई मान जा भाई तुझे हर जगह घुसना है, कोई बात कर रहा हो बीच में इसका कमेंट जरूर आएगा भाई, ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना ये भागता ही दिखेगा रोडों पे, इसके घर नहीं आना वापस, ये भागेगा सिर्फ टिकटॉक ऑन करके। अरे मैं कॉलिंग हिम टू गेट सम स्टफ अबाउट यू, मैंने इसका वीडियो देखा, कह रहा है कि मैं घर में नहीं आऊंगा मैं होटल में रहूंगा, अब जब मैं खुलेगा मैं बाहर ही बाहर आऊंगा मैं घर में नहीं आऊंगा इसका काम हो गया है, इसके तारे वारे हिल गए कोई अंदर की, शॉर्ट सर्किट हुआ इसको। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी सोसाइटी जो थी जहाँ रहते थे हम, सामने उसके छबील लगती थी, छबील मतलब छबील मतलब इट्स अ गैदरिंग वेयर एवरीवन कम्स टुगेदर, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं, वो गुरुपुरब के टाइम पे बेसिकली प्रसाद बनता है और रू अफजा वाला वो दूध के साथ मिला के वो ड्रिंक बनती है, ठीक है, सबको रोड पे पिलाते हैं, हाँ हाँ, छोले पूरी हलवा वाला होता है और रोड पे मिल रहा होता है, तो बेचारे जो साइकिल पे जा रहे होते हैं गर्मी है रिक्शा वाले उनको सबको फीड किया जाता है लंगर टाइप। तो उसमें होता क्या था, बसे निकलती है तो बसे भी धीरे होती है यार, प्यास लगी होती है लोगों को, तो मैं वहां पे छबील पिलाता था, मुझे बहुत मजा आता था, तो छबील भर के मैं, आपने ट्रे पकड़ी हुई है उसमें ग्लास है, चढ़ गए आप। एक बार क्या हुआ, बस में भीड़ इतनी थी, अब मैंने पहले, और मैंने दिक्कत क्या हुई, मैंने गलती क्या कर दी, पहले मैंने ड्राइवर को पिला दिया, अब जैसे ही उसने पिया उसने कहा बाहर में जाए सारे, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसने बस चलानी शुरू कर दी, अब मैं छबील पिलाते पिलाते 4 स्टॉप आगे छोड़ा, 3 किलोमीटर आगे वहां से वाला भागते आ रहा हूँ मैं, क्या जग खाली हो गए मेरे, किसी ने ग्लास नहीं दिए, ट्रे इधर ग्लास उधर, बढ़ेगा बसों में बढ़ेगा आप में। मैं भी बस में बहुत हांडा हूँ यार, मैं भी डैड साइकिल में छोड़ते थे बस स्टॉप पे, और वहां से अपना बस पकड़ा, और मैं रहता था दिल्ली कैंट में। अच्छा। जहाँ पर नेहरा पाजी का घर है, बहुत पास सदर बाजार के, सदर बाजार ना, हाँ तो, वहां से धौलक हो गया, धौलक वहां से गाड़ी चेंज की, मुनीर का पकड़ी और चला गया छत्रसाल स्टेडियम, अच्छा प्रैक्टिस करके फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस आया। मैंने ये बड़े बहुत मजा लगता से, बहुत बहुत मजे करता था। सो I know we are enjoying this, but if I have to ask you, how important was the role of your father in giving that confidence when you're growing up to be as a cricketer? Yeah, my father was very clear ki padhai mein unka, obviously unka focus padhai mein tha, but he was very clear ki you have to study along with playing, and only and only when you can say कि आई एम 200% कॉन्फिडेंट दैट आई एम गोइंग टू बी एबल टू मेक अ करियर आउट ऑफ दिस,
only then will you solely focus on just doing one thing. But till that time, I wanted to work hard in both. So, uske baad jab results obviously aane shuru hue, and you know, under 19 tours happened, and then he saw ki cricket zyada ho raha hai, he stopped saying anything to me. Because logon se bhi sunte the, coach se feedback aata tha, to unhone bola yaar ki ye chance dena chahiye. To support mujhe kafi mila. Plus, dusri baat ye thi ki, I mentioned it before also, ki ek samay aise tha state cricket mein, you know, bahut left right ye wo sab bahut cheeze hoti hai, you know, many factors happen where things are not fair. I would just put it like that. I wouldn't go elaborate it too much. To wahan pe ek opportunity tha jahan pe obviously a certain someone chose to, you know, step out of the rules and say ki ye scenario hai, aapko agar selection to merit ka koi problem nahi hai, lekin thoda extra kuch karna padega. So he understood. And he's a guy who studied, मतलब वो street light के नीचे पड़े हैं, वैसा हाल था उनके घर में. वहां से उन्होंने मेहनत करके लॉयर बने, मर्चेंट नेवी में भी काम किया उससे पहले. तो मेहनत जिसने करी है उसको समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज. He didn't understand कि क्या है कि यहाँ कर दो वहां कर दो. He said to my coach कि अपने मेरिट पे खेल जाएगा तो बहुत है, वरना हमें नहीं खिलाना, ये सब मैं नहीं करूंगा. मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत रोया, बहुत रोया मैं, you know, I was broken, but that taught me something that boss, ये दुनिया ऐसे चलती है, अगर आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा. तो that lesson he gave me, because you can only rely on your hard work, and that I saw from my father, who made a living, made a, you know, life for himself, and gave me the right teaching by actions. बोलना बहुत आसान होता है. So those little things na put the right kind of attitude in me ki nahi, mehnat se aage badhna hai. So I think that impact from him was huge, and obviously giving free, middle class family mein kya hota hai, aap ek certain mindset ho sakta hai ki nahi yaar aap focus karo, ek job honi chahiye, you know, that is fair, but to have the courage to say nahi, acha isko karne do for a while, I think that is all you can ask for as a child. So he gave me that for sure. So champ, I'm sure you miss him almost every day in your life, but was there a moment aapko laga ki yaar kaash aaj mere dad hote aur wo dekhte ki main ye achieve kiya ya yahan pahuncha. Is there any moment that he thought, I really wish my father could see this, because he was there in the times when I was growing up, he could see a little bit of Virat Kohli becoming Virat Kohli, but today when I've achieved so much, not to show off, but just a feeling that I wish he could see what he was trying to build, was there any moment? And I'm sorry if I'm making you emotional. No, not at all. I mean, it is what it is. I mean, I accepted it immediately when things happened, and obviously I went to play the morning that it happened. Uske baad se yaar, realize until something big happens in your life, you sort of, I was 18 and utni maturity nahi hoti aapke andar ki aap roz baith ke socho ki, you know, kya ho gaya, because you're also focusing on what you need to do in your life, and you know, you need to move forward. So I kept doing that, but when I played for India, when things started, you know, going well, I started thinking, yaar, ki what is it really that I could have done which meant something? And the only thing that keeps coming to my mind and to my heart regularly is ki, you know, whatever my father did for our family, for me, for, you know, all the brothers and sisters, children, for my mother, everything, for his side of the family, sabko samalna and all that. The only thing I could have done for him was give him a life of, you know, great retirement and just relax. You don't need to do anything. So, jab aapki puri zindagi karne karne mein nikal jaye, and you know, then someone from your family goes up to achieve something, jisse aap, you know, all that mehnat, you feel like, yaar, I really feel grateful to God ki, yaar, whatever I did, you know, I somehow feel justification or gratitude from God. तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप कुछ नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए. यू कैन गो स्पेंड टाइम विद देम, बट दीज आर द थिंग्स यू कैन डू कि उनको एक कंफर्टेबल लाइफ मिले, यू नो, कोई टेंशन ना हो. तो वो एक मुझे एक चीज रेगुलरली लगती है कि यार, वो अगर मैं दे सकता हूँ उनको आज की डेट में, तो दैट्स द बिगेस्ट, यू नो, गिफ्ट आई कुड हैव गिवन हिम बैक. ट्रू. या, एंड आई एम सॉरी आई आस्क्ड यू दिस, विराट. नहीं, इट्स फाइन. आई मीन, आई you miss him in an emotional way, but I always think positive, kyunki that incident to me was a blessing in my life. Us umar mein aisa kuch hona jahan aap apna focus kho sakte ho,
जहां पे आपको समझ नहीं आया कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वहां पे वो इंसिडेंट मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार आई हैव नो अदर ऑप्शन इन लाइफ. चलो फ्रॉम फ्रॉम दैट नोट टू अ हैप्पी नोट, माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, हम दोनों 90 के दशक में बड़े हुए हैं एंड ऑफ कोर्स मिडिल क्लास फैमिली अगेन. सो जो चीजें मुझे याद है वो है देख बाय देख थर्सडे को फॉलोड बाय जवान संभाल के एंड देन अलिफ लैला एंड देन चंद्रकांता एंड देन नया नुक्कड़ ट्यूजडे को विक्रम बेताल. सो विक्रम बेताल, ओहो तू फिर बोला, मैं फिर उड़ा. मेरे को लगता था ये हर दिन क्यों बोलता है ये यार, ये मेरे को बहुत याद आता है टाइम यार, अनबिलीवेबल. लो 90s का टाइम ना, नटराज पेंसिल की एड, मतलब ये सब वापस नहीं आ सकता. वो फैंटम सिगरेट हम टॉनिक सिंकारा पे जाके हैं, हम दर का टॉनिक सिंकारा किसमी बार खरीद फैंटम की सिगरेटें खानी, ये सब नहीं, ये सब वापस नहीं आ सकता. सिप्सी पीनी एक एक रुपए वाली. संडे को जाते थे हम क्रिकेट खेलते, 25-30 सिप्सी लेके आनी हमने ठंडी ठंडी. क्रिकेट खेलने के बाद वहां ग्राउंड पे बैठ के सिप्सी पियो, फिर अकेडमी के बाद छोले भटूरे खाओ निकल के. अरे वो वक्त ही अलग था, कमाल. तो ऐसी कौन सी चीज है उस 90s की, छोटी भी चीज होती जो कि आपकी अब लाइफ में भी आप उसको रखते हो, सम स्मॉल थिंग दैट यू पिक्ड अप एज अ मिडिल क्लास फैमिली व्हिच यू स्टिल हैव इट इन यू, बिकॉज नाउ द लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट विराट कोहली वाज देन टू नाउ वेयर ही कैन गेट व्हाट. पंजाबी बाग में प्रॉपर टिपिकल वेस्ट दिल्ली माहौल में एक रहने का, वहां से एक ही चीज मुझे सीखने को मिली कि जब भी मैं किसी बंदे से मिलता हूं ना वहां के, आई स्पीक द सेम लैंग्वेज आई स्पोक टू देम इन दैट टाइम, एंड दैट टू मी इज द बिगेस्ट मार्कर दैट यू आर नेवर अवे फ्रॉम हु यू आर. अभी सडनली अगर कोई मेरे को बचपन का मेरा कोई जानने वाला मिल जाए, मेरा एक बचपन का दोस्त था राइट, तो मैं उससे अभी भी जब बात करता हूँ या मिलता हूँ ना, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे अभी क्रिकेट लाइफ खुल के इज दी ओनली वे टू लिव. और आपको जो अंदर से फील हो रहा है ना कि यार मुझे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना है, आप वैसे इंटरेक्ट करो, वो एक एक वो आई डोंट बिलीव इन हैविंग अ यू नो अ लेयर ऑन टॉप ऑफ योर बिहेवियर टू फील वेरी सोफिस्टिकेटेड या यू नो कम अक्रॉस वेरी बैलेंस्ड. वो अपने आप हो जाता है. Serious, it means something. Obviously, you won't talk like, "Okay, bhai, batao, tereko kya ho gaya? Pata hai, fir tereko na aise karna chahiye." Obviously, you will have, you know, you'll be more articulate. You'll explain it well. But jahan pe you are yourself, you should be yourself. Aur main sabse aise baat karta hu, like jisse bhi main close hu, ab hum bata nahi sakte hum kya baatein karte hain, lekin aapko pata hi hai. No, I'll tell you why main sawal leke aaya, because do din pehle kya hua ki hamara toothpaste khatam ho gaya. To mere hisab se khatam ho gaya. तो मैंने तो फेंकने वाला था, तो मेरी बीवी कहती इधर लेके आओ, इधर लेके आओ. उसने कहते फोल्ड किया उसको, पूरा दबाया. Realized कि how it was in my house, कि पहले पूरा वो निचोड़ना है, उसको फोल्ड करना है, और अगर तंगी चल रही है तो काटना भी है. बिल्कुल सर, ये I just read this back कि उसमें हम पहले पानी डाल के घोलते हैं, उसका फिर लिक्विड डालते हैं. भाई साहब अभी तो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए अंदर से, जो पानी के लिए यूज करने टाइप हो जाए ना, तब तक नहीं फेंकते हम. सेम चीज है, मेरे को रुका गया. अरे वो डस्टबिन में फेंक दिया था मैंने, वो पेस्ट निकाला, मैडम ने बोला भाई इसको निचोड़ो, इसमें बहुत बचा अभी भी. एंड देन यू रियलाइज कि दिस वाज नॉर्मल इन माय हाउस, यू नो दिस इज हाउ इट वाज. यार हम इसलिए मैं सवाल लेके आ रहे पॉलिथिन हम नाली से बॉल निकाल लेते हैं. मैंने भी, या फिर वो दो डंडियों से. मैंने बहुत नाली से बॉल निकाला है. दो डंडियों से. द बेस्ट था ना दो होते थे, एक कहता डाल दे. अबे नहीं यार, अबे डाल दे, कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को बताऊंगा. डाल दे. बहुत बहुत मजा आता था.
सोसाइटी में ना और क्या होता है कि इतनी सारी स्किल्स आप सीख लेते हो, एक माहौल exactly. ऐसा होता है, क्रिकेट आप खेल रहे हो या कोई भी. मेरा एक्चुअली जो बचपन का दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त जो मेरा था उस टाइम पे, अभी भी मैं उससे टच में हूँ, वो बैडमिंटन खेलता था, वो स्टेट चैंपियन था. तो हम कोर्ट कैसे बनाते थे, वो स्ट्रिप्स आती थी कपड़े की, रोल आते थे बड़े बड़े, उसको लेके आना हमें उसमें, वो हैलोजन लैंप्स लगाना, दो पोल बनवा के लाने, वेल्डिंग वाले से वेल्डिंग करा के, नेट लाना. तो ये जो एक स्किल होता है ना कि आपने कुछ कुछ आपके पास नहीं है, आपने कुछ क्रिएट करना है आपके आसपास के रिसोर्सेस से, तो वो पैसे जोड़ने, पहले ये सामान खरीदना, फिर उसका कोड बनाना, दुआ भी करना कि हवा ना आए आज, आज हवा चलनी चाहिए. हाँ बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट था. और जिस दिन हवा नहीं चल रही तो 12:30-1 बजे तक बैडमिंटन हो रही है और लगे डेज, लाइक वो चीजें बहुत मुझे याद आती हैं. बैल्कनी में किसी की बॉल चली गई, उस घर में कोई रहता नहीं, तो आप पूछोगे थोड़ा ना जाके, पाइप से चढ़ गए, दो दो फ्लोर, कोई डर नहीं होता था, पाइप से चढ़ गए सेकंड फ्लोर की बैल्कनी में, वहां से बॉल लेके आ गए. ये सब चीजें बहुत मेरे को, those things will always and always be very very dear to me. You know, to be honest, when I was growing up, I have played more cricket because I was a norm. Because you can, ऐसे ही माहौल था, थोड़ी बैटिंग लग गई, थोड़े पैसे जीतने का मन कर दिया. और इसमें ये नालियों में से बॉल उठाना, कांचे तोड़ देनी, फिर आंटियां घर पे आ गई, फिर सही ताबड़तोड़ लड़ाई हो रही घर पे, मॉम पेल रही, उसके बाद ये नॉर्मल था. हाँ, मैं वो लड़का था जिसको, जो हमेशा एंड में बचा होता था डांट खाने के लिए. सारे भाग जाते थे, उनको पता था इसको कीड़ा है क्रिकेट का, बैट बॉल लेके आएगा, साला फंसता मैं ही था हमेशा. ओके, ऑन दैट नोट, I was at home. Obviously, iconic moment. मतलब मैं वैसी celebration करी थी जैसे मैं आज करता हूँ. मुझे लगा exactly. वो जो bold है ना, उससे ज़्यादा satisfying clean bold हमारे लिए तो history of cricket में कहीं भी नहीं है. Exactly. हाँ. हम तो नीचे जाकर वो सबसे iconic. हाँ. हमने क्या किया, हम नीचे जाते थे, एक बनता था आमिर सोहेल, एक बंदा था प्रसाद, और विकेट पे सब दबा के गालियां दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं वहां पर कि विकेट ले लिया. इतनी बार इनाट किया हमने वो सीन. क्लास, वो दिन नहीं भूलेंगे, चाहे आई मीन इफ यू आर अ क्रिकेट फैन और नॉट, इफ यू वॉच स्पोर्ट्स और नॉट, बट माहौल था ना, एंड दैट लेवल ऑफ फुटबॉल वाज समथिंग एल्स. दोज मेमोरीज विल नेवर गो अवे. लाइक आपने अभी डॉक्यूमेंट्री, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन लास्ट डांस, आई हैव, सुपर. आई मीन मैन, सुपर. वेदर यू नो, वेदर यू नो बास्केटबॉल और नॉट, यू नो रॉडमैन, यू नो पिपिन, यू नो माइकल जॉर्डन, यू नो कोबी ब्रायंट, यू नो शकील ओनील, बिकॉज़ यू हैव ग्रोन अप वाचिंग दोज गेम्स इन द मॉर्निंग, एंड इट्स यू नो नथिंग कम्स क्लोज. सो व्हेन आई वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री, इट्स दैट फुटेज of that time, that true. For me, whatever the, you know, the documentary might have been, maine matlab hai to outstanding, agar kharab bhi hoti na main sirf footage ke upar hi dekh jata, true, wo mere memory mein aisi baithi hui hai, just magical times, and I'm sure it's like that for everyone, you know, who grow up in their times, but for us 90s will always be very, very. Something that was
मे बी डेंजरस और मे बी स्टूपिड एंड थैंक गॉड यू गॉट सेव्ड, बट समथिंग विच यू थॉट नाउ, विच यू थिंक नाउ कि यार मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था यार ये, यू नो, और वर यू ऑलवेज राइट एंड यू डिडंट रीच दैट लेवल? क्या बात कर रहे हो, बड़े हो रहे थे क्या? हम भी बड़े ही हो रहे हैं अभी भी, हो क्या रहे थे? हम बहुत बड़े हो गए, अभी भी हो ही रहे हैं. इनको थोड़ी ना पता हम कैसी बातें करते हैं. नहीं, having said that, मुझे याद है एक इंसिडेंट जहां पे आई वॉज वेरी स्टूपिड वॉज 15 अगस्त के टाइम. इट वॉज 13th August. और वो जो टाइम होता है, एवरी फेस्टिवल बाय द वे इज मैजिकल. When you're living in a society, festival का बात ही कुछ और है, क्योंकि लोग आएंगे आएंगे, दोस्त आएंगे आएंगे, आप अकेले हो गए नहीं. तो वो 15 अगस्त वाला टाइम तो सुबह 6 बजे बैठ के कन्ने मैंने बांधने, पतंगे मैंने तैयार करनी, मांझा पड़ा हुआ है, सद्दी के ऊपर लगा हुआ है. मैं प्रॉपर भाषा में बोलूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं बोलूंगा डोंगर और ये बोल. जिनको समझ में आया समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया बाहर में जाओ. चलो, हाँ, वो सद्दी के ऊपर मांझा लगा हुआ है, चरखड़ी लपेट रहे हैं, ठीक है? लेके गए हम. तो अब मेरे को शौक क्या था, मैं लड़कों के साथ, ठीक है, क्योंकि मेरे को मजा आता था, वो तेज बॉलिंग वगैरह करते थे. अब मुझे पतंग उड़ाने का भी उनके साथ शौक था. तो मुझे क्या जॉब दिया जाता था कि हम उड़ाएंगे तू लूट. साला मुझे डंडा पकड़ा देते थे लंबा और कहते थे पीछे से जो पतंग आएगी तू वो लूट. हाँ, तो अब लूटते 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 क्या हुआ कि भाग रहे भाग रहे, पतंग के पीछे भाग रहे हैं, तो हमारी ना सोसाइटी में छतें जुड़ी हुई थी. तो क्या कैसा मतलब वो टेरेस जुड़ी हुई है, ठीक है? उसके बाद चुपचाप आ गया. मेरे को लगा मैं एक्टिंग करूंगा, कोई नहीं आता, कोई नहीं. अरे कोई तो आया नहीं, फोन नहीं है किसी, क्या बोलूंगा? कोई आया तो नहीं. पर ये सुनो, मेरी माँ कितनी शातिर है, मैं घर पहुंचा तो मैं दिखा रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं गए नहीं कहीं. आपको फोन करता हूँ अभी वापस. ओके, अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको करता हूँ, इसके जब खत्म हो जाएगा उसके बाद करता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं. ओके, मैं बाय. ऑल वेल? हाँ, ऑल वेल. वो बोल रही है वहां पे एयरपोर्ट वगैरह. हाँ, बोलो बोलो बोलो.
मेरे को 50 रुपए दिए। मैं शादी वगैरह में जाते हैं, देखता था यार लोग ना बड़े नोट उड़ा के नाचते हैं, बड़ा मजा आ रहा है लोगों को। तो कोई घर पे आया होगा, मुझे 50 रुपए दिए, ये सामान लेके आ जा। मुझे पता नहीं क्या कीड़ा चढ़ा, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो गई 50 रुपए का नोट देख के। मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए घर से नीचे जाके, सीढ़ियों से नीचे जाके वो मैंने उड़ाए, उसके बड़े सारे टुकड़े उड़े, मैं उसके नीचे नाच के आ गया। मैं सामान ही नहीं लिया। अब वापिस गया, बताओ कैसे, जो मुझे मार पड़ी है घर पे। पता है मुझे लगता है चैंप, अगर हमने वो वीडियो दिखा दिए ना, अगर होते जिस तरह हमें पेला गया था, आजकल के बच्चे तो डर के मारे उठेंगे नहीं। नहीं नहीं, चांस ही नहीं है। मेरी बहन ने मुझे बहुत मारा। बहुत मारा। बहुत मारा। मैं ना तू करके बात करता था। अच्छा, गुस्से में या ऐसी? नहीं नहीं, ऐसी मेरे को आदत थी तू करके बात। एक दिन पता नहीं क्या हो गया, दीदी को पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ गया, भाई साहब ऐसा मारा मुझे, मैं तर निकलना ही बंद हो गया मुंह से मेरे, आ ही निकलता था। आप क्या कर रहे हो? आपने शादी और डांस की बात की। हम लोग, मैं ममता मॉडल में था विकासपुरी में, तो मैं हॉस्टल में रहता। तो मैं टीसी वीसी करवा कर बिना बोले टीसी वीसी लेकर अपने स्कूल में ममता मॉडल में भर्ती हो गया। मेरे डैड आए आर्मी से वापस एंड ही वेंट मैड। तो घर में बहुत ज्यादा रोना वोना हुआ, मम्मी बहन रो रही है, डैड कह रही है, वो वगैरह वगैरह जो भी है, बट बाद में सॉल्व हो गया। तो मैं ममता मॉडल में था, हम लोग हॉस्टल में थे, दिल्ली में रहते हुए भी मैं ममता मॉडल में था। तो लड़कों ने जुगाड़ निकलवाया कि भाई शादियों में सिर्फ पैंट शर्ट की जरूरत है, तो दो लड़के फुटबॉल टीम से निकलेंगे, शादी में जाके नाचेंगे, हाँ हम शर्मा जी के बेटे, हम ये हैं, खाना भर के पूरी टीम के लिए ले आएंगे। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे शादी होती है पूरे वेस्ट दिल्ली में, विकासपुरी में, तिलक नगर में, उत्तर नगर में, लड़के चले जाएंगे। तो मैं कभी नहीं आता था, मैं उनको प्लानिंग बता खाने की बात आ रही है, मेरा नेक्स्ट सवाल आपको खाने को लेकर है, लेकिन उसके पहले It was everything for me. Matlab, I would not take credit for this. Yes, you put in the work, but someone has to give you direction. For me, the biggest factor, the biggest milestone from my career changing to a certain
what to eat when. You know, क्या खाना है, कैसे खाना है. Then what happened was I started having a feel of it myself. कि क्या हो रहा है, क्या reaction हो रहा है body का. 3 weeks, 4 weeks, month, 2 months. You know, what am I feeling? I started paying attention to what was happening inside, rather than focusing about ki ye acha ho jaye fitness. I have to do what I'm doing. My hard work might be twice or thrice as more as you know more than someone else because meri body वैसे type की है. मुझे ये सब और strictly करना पड़ता है. Now, I think I'm being respectful to the opportunity that I have in life. I'm not doing anyone a favor. I'm literally living up to a responsibility, the place that I'm in, and giving my best output every time that I go on the field. If I can't give my 100%. Every time that I go on the field, I'm not being honest to this sport. And if I'm dishonest to the sport, I can't sleep at night. It's as simple as that. That's so well said, man. I eat well, I train well, and I'm like a maniac. And if you can't sure. work hard, then you shouldn't be here. There's someone better always wanting to work harder than you. True. And I think why I asked you this is because my next question, which is A and B, relates to this. I talk to a lot of people that are around you, including, I won't take the player's name, but few people that know you. Let's not drop names. But all of them said that the aggressive attitude that you see on Virat when he's playing, he's very calm when the game is over. Bloody hell, if I scratch myself, I scratch myself. But if I don't give my 100% in a 50-over ODI, from first over to the 100th over, ek ball pe agar aap full apna pura effort nahi de rahe ho, even when I'm sitting outside clapping for someone else, it doesn't mean ki batting nahi hui ya fielding mein ho gaya to din khatam ho gaya. Nahi. The day ends when you pack your bag and you sit in the bus. Yeah, and that's what... Before that. And that's what Chahal told me. And of course, I have to take his name because he's here. That wo unki words mein wo aage se itna kuch karte hain ki hame apne aap follow karne ka man karta hai. Aur Virat.
was that yeah. moment where, you know, I started to realize that this is not all about me. True. Life is to look at another person and live like that. So then you become confident of who you are and you become confident of giving, of being compassionate. So ye mindset mujhe after I there is no better feeling. And that's something that I think everyone should strive to do. So mere paas koi problem leke aata hai, if you know I am in a position to do it, I will always and always do it. That's really sweet. So hamare 5 sawal khatam ho gaye and I hope Charles sir khush hai ki maine unke sawal pooch liya. I have a small rapid fire. I don't have to ask you to be rapid because you're always like that. You're always feisty. So let's see. The first one, Virat Kohli sahab. The one knock. Didn't even think. Okay. How good was he, man? I saw a video where he got man of the match for 7 catches against West Indies. आप वो छोड़ो. आप अभी जो अभी legends का match हुआ था ना बॉम्बे में 2 matches हुए थे. अच्छा. West Indies and I think it was mixed. बहुत countries के आए थे players and. I just saw someone flying. I was like, ye koi youngster khilaya ho kya? Baad mein dikhaya jaunty and you're still running around like that. Unbelievable. Best ever. Yeah. All right. The third question. One player from the Indian team with the worst possible football touch. Because I know you guys play warm-up football. So who has the worst football touch? Abhi. Haan. Kuldeep Yadav. बहुत आइडिया है. बॉल दे दो सामने. उसके बस की नहीं है. फुटबॉल नहीं, चांस ही नहीं है. ओके कुलदीप, आई एम सो सॉरी यार. ठुड्डे मारता है ठुड्डे. ओके दिस इज अ गुड वन. ठुड्डे ठुड्डा बोलने वाला था मैं भी. ठुड्डे मारता आ गया. बड़ा गुस्सा आता था.
you know, tapped it on the head. But wo jo delicate wala tha ek lap shot, that was amazing control. I could never play that shot well. So I would look to steal that. Yeah. Okay. Yeah. Okay. The next one, the one mindless movie you can watch over and over again for laughs. Alag level movie. Superb, man. What a movie. Yeah. Okay. The next one is, I think I know the answer, but I still ask for people. The one non-cricket athlete who makes your jaw drop when you watch him or her live perform. Live as in on TV? On TV. You know the answer. To your best of ability. Yep. And I will never forget that. And that I can see with the way you handle your diet, your routine, you know, your discipline now. And I understand where you come from. You need to lead and you need to set the vision right for everyone else to also do that so that the level of football collectively goes up. True. And to take that responsibility, you need
पंजाबी गाना ऑफ कोर्स, कोई भी दोस्त, कोई भी, काला चश्मा वो गाना, मुझे बहुत पसंद है गाना। I could dance to that song at a party, at a wedding. I could listen to that before a game. I could add chilling at home. किसी कि वहां पर जिम होना चाहिए। हाँ, सो माय क्वेश्चन टू यू इज दैट और कैन यू हियर मी नाउ? आई लॉस्ट दैट, आई लॉस्ट, आई थिंक आई लॉस्ट यू फॉर अ बिट। या आई लॉस्ट यू फॉर अ बिट। हाँ हाँ बोलो। ओके हाँ, कि जब ये व्हाट वाज द इनिशियल कॉन्वर्सेशन लाइक? Can you hear me? Hello? Hello, hello, hello. Hello? आवाज आ रही है? Hello? हाँ।